माखन नगर में शुक्रवार को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर यदुवंशित समाज द्वारा निकाली गई भव्य शोभा यात्रा ये शोभा यात्रा माखन नगर के गायत्री मंदिर से प्रारंभ होकर मुख्य मार्ग माखन नगर बस स्टैंड नसीराबाद चौराहा सुभाष चौक से आरा मशीन पर जाकर समापन हुई। ये भव्य शोभा यात्रा का जगह जगह पर स्वागत किया गया। इस अवसर पर शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। इस दौरान ठाकुर जी की पालकी को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़कों के किनारे खड़े रहे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्साह पूरी श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। जहां एक ओर भक्तों ने अपने घरों में भगवान श्री कृष्ण की प्रतिमाओं को भव्य स्वरूप दिया तो वही सभी राधा कृष्ण मंदिरों को फूलों से सजाया है। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी की प्रतिमाओं का भव्य श्रृंगार किया गया है और उन्हें माखन मिश्री का प्रसाद भेंट किया गया है। सुबह से ही शहर के सभी श्री राधा कृष्ण मंदिरों में पूजन अर्चन का क्रम शुरू हो गया है। भक्तों के द्वारा भगवान श्री राधा कृष्ण के दर्शन किए जा रहे हैं और उन्हें जन्मदिन की बधाई देते हुए मनोकामना पूर्ण करने के लिए प्रार्थना भी की जा रही है। भक्तों का इन मंदिरों में आने का सिलसिला जारी है। सुबह पूजन का भगवान श्री कृष्ण जन्मोत्सव शोभा यात्रा निकाली गई जो कि शहर के विभिन्न मार्गों से निकाली गई। इसके बाद प्रसाद वितरण किया और फिर रात ठीक 12 बजे सभी मंदिरों कृष्ण मंदिरों में प्रकट उत्सव मनाया जाएगा। सैकड़ों की तादाद में भक्तों का जमावड़ा था और भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव पूरे धूमधाम से भव्य जुलूस निकाला गया। नगर के गायत्री मंदिर से शोभा यात्रा का शुभारंभ किया जो नर्मदापुरम की राधा कृष्ण मंदिर पहुंची। शोभा यात्रा में यादव समाज के और नगर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। समाज के युवा पदाधिकारी का उत्साह भी देखते ही बनता था। बड़े धूमधाम हर्षोल्लास से भगवान श्री कृष्ण का जन्म उत्सव संपूर्ण जिले में मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण के सैकड़ों अनुयायी मंदिरों में विधि विधान से पूजा पाठ करते देखे गए। सुख समृद्धि की प्रार्थना की गई। माखन नगर से राकेश नायक की रिपोर्ट।